प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को अक्षम्य पाप बताया है। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत, बदलापुर में जो महाराष्ट्र के ही बदलापुर में जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म की खबरें आई, यौन शोषण की खबरें आई, इसी तरह से देश के तमाम हिस्सों से इन्हीं सारी खबरों की वजह से लोगों में गुस्सा है। लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सभी राज्यों से अपील की है कि उसके लिए जो भी जरूरी प्रावधान है वो किए जाए। सुनिए उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में क्या कहा। साथियों, माताओं बहनों बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे ई एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि ई एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इसे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं।
पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों की इस रैली में महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में बताया। उन्होंने EFIR की जो व्यवस्था की गई है उन सब चीजों के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि उनकी सरकार किस तरीके से लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को सक्षम बना रही है, उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत कर रही है। लेकिन इन सब के अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी।